सत श्री अकाल, मैं पार्थ सारथी वालिया फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जो मैंने सर्जरी कराई, पहले मेरा वेट लगभग 160 की रेंज में होता था, 158 था। तो अप्रैल में मैंने ये डॉक्टर साहब से सर्जरी कराई, अब मेरा वेट है 92 केजी। 8 महीनों में लगभग मैंने 64 किलो वेट रिड्यूस किया है, और मैं आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग इस सर्जरी के बारे में, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो काफी फर्क आया है। जिवें पहला मैं, मेरी कैंसर एजेंसी है फिरोजपुर से, पहला मैं उस उतनी एक्टिवनेस से उसको नहीं संभाल पाता था, मुश्किलें आती थी, मैं डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती थी। लेकिन आज की डेट में मेरे को ये वेट तो रिड्यूस हुआ, 58 मेरी कमर का साइज था, जो आज आप देख सकते हो 38 रह गया, और आपको कहीं मेरे अंदर कहीं नहीं किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखेगी। मैं लोग मोटे हैं उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन वाली साइड आने से डरते हैं। मैं भी डरता सी, मैं 4-5 साल करावा ना करावा 4-5 साल मैंने इन्दे ते वर्किंग की थी, लेकिन हिम्मत नहीं पैदा होती थी। लेकिन अखीर हार कर जब मुझे लगा कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि पहला बंदा ना कोशिशां करता, कोई नहीं मैं परौंठियां खानियां छड़ देना, कोई नहीं मैं ग्रीन टी शुरू कर देना, वो 2-4 किलो 5-7 किलो फ्लक्चुएट होता है, 5 किलो घटता सी तो 10 किलो बढ़ जाता सी, क्योंकि कितने दिन आप कर लोगे, आपका अंदर से मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है, आपके अंदर हार्मोन ही ऐसे पैदा हो रहे हैं जो फैट्स मांगते हैं। मैंने जो ये हिसाब लगाया कि इस रेंज में आके 125 किलो ऊपर अगर तुम टप गए ना, आप मेहनत करके कुछ भी करके, कोई 500 जो एक एग्जाम्पल हो गए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 499 लोग नहीं रिड्यूस कर पाते, वो अपने तसल्ली दे देते। क्यों वो ऑपरेशन वाले पासे डरते हैं, उनके मैंने जो मेरे अंदर उस टाइम थॉट्स चल रहे थे, और आज जो मेरे थॉट्स चेंज हुए हैं, मैं दोनों डिस्कस करता हूँ। जो मैं ऑपरेशन कराने लगा थी तो पहला थॉट मेरे अंदर यह आता था, ये नहीं फिक्र होती सी कि मोटापा बहुत ज्यादा है, कोई बीमारी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं फिक्र होती थी। सानू खान की चिंता होती सी पहला कि यार पता नहीं बाद च खा सकेंगे नहीं खा सकेंगे, ड्रिंक ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। फिर वो डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने सारा काउंसलिंग की और बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बड़े बंदे ने गल की, तो चलो किसी तरह तैयार हो गया। चेंजेस क्या है मैं वो आपको बताता हूं कि आज 8 महीने में 60 किलो तो 64 किलो मेरा पार कट चुके। गल आ जाती है भी आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन चल रहा है ना कि मैं बाद च खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा। सर जी मैं एक बात आपको बताता हूं, एक कंडीशन होती है कि आपका दिल कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप ऑपरेट करा चुके इसलिए आप खा नहीं पा रहे, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि अंदर आपके मेटाबॉलिज्म ही ऐसा हो गया या हार्मोनी ऐसे जनरेट होते हैं कि तली हुई या हैवी चीजें आपको खाने को दिल ही नहीं करता, आपका डाइट का वो जो प्रेफरेंसेस ही बदल जाती हैं, आप फ्रूट डाइट, ड्राई फ्रूट्स, कम तेल वाली चीजें ऑटोमेटिकली इस पास से शुरू हो जाती है। ड्रिंक्स में पी रहा हूं, रोज पी रहा हूं, ऑपरेशन तो 4 महीने बाद ही शुरू हो गया था, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे सामने अगर आप पनीर बटर मसाला रख दोगे ये वो, तो मेरा दिल ही नहीं करेगा, मेरा दिल करेगा मैं चूज करूंगा उसकी जगह मैं बॉइल्ड एग, स्टीम्ड चिकन, फिश, इस तरह की सब चीजें खा ले, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आपका इंटरेस्ट अच्छी वाली चीजों की तरफ हो जाता है, इट इज ड्यू टू हार्मोनल अंदर जो चेंज है, वो आपसे डिमांड ही अच्छी चीजों की करते हैं। तो इसलिए ये वैम खाने को मैं राजमा चावल भी खाता हूँ, परौंठी भी, कल मैंने मूली वाली परौंठी खाई, ऐसा नहीं है, लेकिन मूली वाली परौंठी खा, ये नहीं खा के मैं खराब हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है एक परौंठी खा ली ठीक है, मतलब वो पहला जिहड़ी असीं 4-4 खा जांदे वो दिल ही नहीं करता इतना खाने। मेरा ब्रेकफास्ट आप देखोगे ना तो मेरे ख्याल नाल 5 बजे तो उठन तो बाद 7:30 तक मैं आधा किलो फ्रूट खा चुका हूं, उसके बाद प्रोटीन शेक है, मतलब वधिया डाइट हो, हेल्थ तो अच्छी होगी। काम काज का जो पहले मैं लोड नहीं ले पाता था, अब वो मैं काम काज
बेटर तरीके से मैनेज करता हूं, मतलब लाइफ चेंजिंग है। आप ये ना सोचना कि मैं बाद च खा सकूंगा नहीं खा सकूंगा, सब कुछ खा सकोगे। मैं आज से एक महीने पहले तक जो चीजें मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था, आज मेरा, मैं कल जो ड्रिंक्स ली है उसके साथ मैंने बीकानेर दी नाल मैं हल्दीराम दी भुजिया नाल खाती, नाल मरसरी पापड़ खाता, नाल मैं चिकन खाता। तो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब लोगों के दिमाग में ये है कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं खा ही नहीं सकूंगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ खा सकोगे, लेकिन आपका खुद ही जो चीजें जिसमें ऑयल ज्यादा है या भटूरे पूड़ियां समोसे, आप उनको, आप ऐसे डिसिप्लिन्ड हो जाओगे ऑटोमेटिकली कि आपको मन नहीं मारना पड़े, और भाई तुझे कर भी नहीं सकते बिना खाद्य तो आटा पार घटना नहीं, खाने तो आटा दिल करता पे और फिर आप नहीं खा रहे, मजबूरी में नहीं खा रहे, वो तो सिचुएशन है क्रिटिकल, दिल कर रहा है लेकिन नहीं खाना भी पार घटाना है, वो महीना डेढ़ महीना ही नहीं कर सकते। ऑपरेशन के बाद क्या चेंजेस हैं कि अच्छी ही चीजें खाने को दिल कर रहा है, बेकार चीजें जो हैवी चीजें हैं जो पूड़ियां ये वो तो दिल ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि खा नहीं सकते, खा लो जबरदस्ती खा लो, आपको दिल, आपको नहीं, कई बार हम दवाई भी खाते हैं बिना दिल तो खा ही लेते हैं, आप खा लो चलो वो कुछ नहीं होगा, आप बांध दो भटूरे खा लो कुछ नहीं, पर जब आपका दिल ही नहीं करता खाने, भटूरे की जगह तुहाडा दिल करेगा मैं स्प्राउट्स खावा, जूस पिया, हल्का ब्रेड सैंडविच लवा, उबले अंडे लवा, पोर्च लवा, उसमें फिश बॉइल्ड फिश लवा, सूप लवा। तो ये चिंता मत करो कि भाई आप तुहाडा दिल करेगा तो तुसी खा नहीं सकोगे, ऐसा नहीं होगा, इससे उलट होता है, आपका उन चीजों की तरफ से मोह, जिवें कहने ना भी दिल उठ गया, दिल ही उठ जाता है। पर फिर भी कभी कभी दिल करता है, जिस दिन करता है उस दिन मैं खाता भी, जिवें मैं कह रहा हूं कि कल मैंने परौंठी खाई, ये नहीं कि बिल्कुल ही दिल नहीं करता, पर कभी कभी करता है, डिसिप्लिन बेस। चिकन खा रहा हूं, फिश खा रहा हूं, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूं, ड्रिंक्स ले रहा हूं, और भाजी की चाहिए। अब दूसरी बात क्या आ जाती है कि कहां से करवाना चाहिए, वो देखो जी आपकी अपनी अपनी, हरेक का अपना अपना सूटेबिलिटी है। मैंने स्टडी किया था, मुझे तो जिन्होंने डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस ही का मुंबई जैसे बड़े शहर में वो रह के आए थे, और जो उन्होंने मेरे को दिखाया कि कितने बड़े बड़े लोगों ने का इनकी टीम ने, जो जब ये बॉम्बे होते थे, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और उनका नाम नहीं मैं ले सकता, और पॉलिटिशियंस बड़े बड़े मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया भी उनका नाम नहीं लेना, मैं हमें पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन आप आएंगे तो आपको वो पता लग जाएगा। तो जो जिन लोगों ने इन पे विश्वास किया तो मेरे को लगा कि इन डॉक्टर साहब के साथ ही मुझे करवाना चाहिए। तो भाई मैं खुश हूँ, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, और दो महीने तक तो बिल्कुल ही फर्क पै जाएगा। टू बिगिन विद छोटी छोटी, इतना बड़ा चेंज आता है बॉडी के अंदर, तो छोटी छोटी हर बॉडी अपने हिसाब से रिएक्ट करती है, अपने हिसाब से। आपको कि आप जो मेरे अंदर बीत रहा है वही आपके अंदर, हो सकता किसी को मेरे से एक महीना वक्त लग जाए, हो सकता किसी को मेरे ना चार महीने काट लग जाए, वो बॉडी टू बॉडी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एक बार पक्की अखीर च आके उन्हें 7-8-9-10 महीने बाद आके उन्हें टिकाने से टिकी जाना। तो मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी बदल जाए, क्योंकि फर्क पड़ता है। और दिल सारियां दा है लेकिन वो डर एक्चुअली आसपास वाले नहीं जीन देंगे जी, वही कहते हैं कि पंगा पाना है, कोई नहीं हो चली जाती गड्डी, आपके आसपास वाले ना वही आपको डिमोरलाइज करते हैं, किसी को परिवार ही नहीं इजाज देता। देखो परिवार की तो चलो राय ना ही चलना, पर आसपास वालों ने किसी ने कराया ऑपरेशन, किसी ने नहीं कराया, वो सुनी सुनाई बातें। आप किसी भी पेशेंट से, आपको अपनी जिंदगी में कोई भी एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा
जो कहेगा कि वो ये ऑपरेशन करा के पछता है। आपको जिसने ये ऑपरेट कराया ना, हाँ उन ऑपरेट कराने महीने दो महीने बाद पूछोगे तो वो सही जवाब नहीं दे पाए। उसके ऑपरेशन को एक साल हो गया हो, कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी आपकी नॉलेज में दूर शहर च बैठा है, थोड़ी जान पहचान हैगी नहीं हैगी, जिनके ऑपरेशन को 7-8 महीने साल हो गया, उससे जाकर पूछोगी वो पछता रहे। अगर आपको एक भी आदमी कह देगा ना मैं पछता रहा हूं, तो आप ऑपरेशन मत करो, सिंगल वन भी ऐसा नहीं होगा। सबकी जिंदगी में चेंजेस आए, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा वैसे तो कोई बड़ा नहीं, मैं तो पता नहीं लग गया कि कदों मेरा ऑपरेशन शुरू है तो कदों खत्म हो। मेरे ऑपरेशन टाइम मैं डॉक्टर साहब ना आते देखे ना जाते देखे, मैं तो बस मैं इतना पता भी इतने मैं सुता सी तो उत्थे मैं उठा, बस इतना हो, पता भी नहीं लगा कहां पर ऑपरेट हुआ। कोई आफ्टर सर्जरी कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, और कोई डॉक्टर साहब मैं जिम जाता हूं, 30 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं मैं रोज। पहला तो मैं साइकिल चढ़ता सी महल के कुत्ते मगर पै जाते भी आ कौन चीज आ गई। अब मैं रोज अपने बेटे के साथ फिरोजपुर से फिरोजपुर बॉर्डर तक 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर वापस आना, 4-4:30 मेरी नींद खुल जाती। उस तो बाद मैं पूरा एनर्जेटिक होता हूं उस टाइम, और मैं काम लगता विचार, मतलब जितना भी मेरा हिसाब किताब वाला या नैट तो सर्च वाला काम सी ना, वो मैं 4:30-5 बजे उठ के ते लेटे ही 7 बजे तक वो काम मैं नबेड़ चुके होता, जेड़ा कि मैं पहला हो सकता 3-3 साल किया ही ना हो, किया ही ना हो, तो बड़ा फर्क पड़ता है। शुरुआती 2-4 महीने आपको वीकनेस फील हो सकती, होनी यार एकदम इन्ना खाते सी पीते सी शरीर च, उन्होंने जब एकदम जब उसमें से बेचारे तलिया माल नहीं मिलना, तो एक करी तो उन्हें तड़पना ही है शरीर ने, पर वो लाइन पे आ जाता है यार, वापस आ जाता है। प्लीज तो पॉजिटिव तरीके से, अच्छा पॉजिटिव दिमाग में आपके पॉजिटिव चेंजेस बड़े विचार आते हैं, पहले आप जिस चीज को आप नेगेटिवली लेते थे ना, एक अंदर पता नहीं कि थोड़े दिमाग के भी कुटाणियों में कोई फर्क पै जाता है, आत्मा की फर्क पै जाता है, अच्छा अच्छा सोचते हैं, या आपका शरीर ठीक हो जाता है इसलिए आप अच्छा अच्छा सोचते हो। मतलब सिर्फ भार ही नहीं कटेगा, मल्टी साइडेड इफेक्ट्स आएंगे, मल्टी साइडेड। आपका पहला मैं किसी फंक्शन में जाना होता, मैं बहाने लगता जी ना ही जाना कभी, है ना। अब उससे क्या होता था, मेरा बिजनेस इफेक्ट होता था, क्योंकि मेरा जब तालमेल मेरा लोगों के साथ उठना बैठना कम हो रहा था, तो नेचुरली रिलेशन खत्म ही होते हैं, तो बिजनेस भी इफेक्ट होता है। तो आप दोस्त बनाते हो, आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, आपका जो सोशल सर्कल है बढ़ना शुरू हो जाता है, बिजनेस में भी इफेक्ट करता है। वैसे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। बाकी भाजी तो ऊपर डिपेंडेंट है आप, मैंने तो अपनी तरफ से ये इस टीम को चुना है, आप और भी स्टडी कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो मेरे को तो यही बेस्ट लगा है। और मैं चाहता हूं कि घर में मत बैठे रहो, डॉक्टर साहब को आके मिलो, अमित सूद जी या मोगा जी में हैं, इनको आके मिलो। आप यहां आओगे ना विद योर फैमिली, तो आपके दिमाग में जो भ्रम चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ लोगों से बात ना करो, फिर इनसे इनको कहो कि हाँ जी 10 बंदों से बात कराएं, बात करोगे आप तैयार हो जाओगे। और आप मिले डॉक्टर सूद से आगे यहां पर, थैंक यू।